मुरादाबाद सुभाष चंद्र बोस सोनकपुर स्टेडियम में पंडित दीनदयाल राज्य स्तरीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। यह प्रतियोगिता 6 नवंबर से 9 नवंबर तक चली। हैंडबॉल की इस सीनियर स्टेट प्रतियोगिता में कुल 17 टीमों ने प्रतिभाग किया, जिसमें बनारस, मेरठ, झांसी, अयोध्या, बरेली, मुरादाबाद, आजमगढ़, देवीपाटन, लखनऊ, मिर्जापुर, गोरखपुर, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, बस्ती, प्रयागराज, सहारनपुर टीमें रहीं। सभी टीमों ने अपना अपना खेल दिखाया, लेकिन अंत में बनारस और मेरठ के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें मेरठ ने 31 और बनारस ने 34 गोल मारकर मेरठ को पराजित किया, जिसमें बनारस की ओर से 13 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें शुभम शर्मा, दिनेश कुमार सिंह, किशन कुमार, अनीश यादव, अनुज कुमार, आलोक यादव, आशीष खरवार, अमित सिंह, सौरभ सिंह, जगमीत सिंह, शुभम सरोज, राहुल यादव ने प्रतिभाग किया। बनारस की ओर से सबसे ज्यादा गोल शुभम सरोज ने मारे। प्रतियोगिता में हुए मैच के दौरान नफीस अहमद और लोहा सिंह निर्णायक रहे। इनके द्वारा मैच का निर्णय घोषित किया गया। मैच के अंत में विजेता टीम को 13,000 रुपये और ट्रॉफी और उप विजेता टीम को 10,000 रुपये और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। बनारस के कोच ब्रजेश कुमार खरवार को मौजूदा खेल कमेटी ने मेडल और ट्रॉफी देकर शुभकामनाएं दी। जी सर, क्या नाम है सर आपका? मैं ब्रजेश्वर कुमार खरवार। सर, यहाँ कौन से खेल का आयोजन किया गया है? ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय सीनियर स्टेट हैंडबॉल चैंपियनशिप चल रहा है, जो कि मुरादाबाद में हो रहा है, और ये 6 से 9 नवंबर 2023 को सोनकपुर स्टेडियम मुरादाबाद में ये चल रहा है। इसमें कितनी टीमों ने प्रतिभाग किया? इसमें 17 टीमों ने प्रतिभाग किया, जो कि 17 टीमों ने प्रतिभाग किया। इसमें सेमीफाइनल में कितनी टीमें पहुंची सर? सेमीफाइनल में 4 टीमें ने पहुंचा। मेरठ और अयोध्या के बीच हुआ, जिसमें मेरठ ने अयोध्या को हरा के फाइनल में पहुंचा, और इधर से वाराणसी और झांसी का दूसरा सेमीफाइनल मैच हुआ, जिसमें झांसी को बनारस ने हरा के फाइनल में पहुंचा, जिसमें बनारस का 32 स्कोर था और 25 स्कोर झांसी का था। उसके बाद फाइनल मैच वाराणसी वर्सेस मेरठ के बीच हुआ, जिसमें कांटे की टक्कर हुई, उसमें वाराणसी 34-31 से विजयी रहा। बनारस से इस टाइम यूपी पुलिस से अभी स्पोर्ट कोटा से माननीय योगी जी ने अभी स्पोर्ट कोटा के थ्रू बहुत से सारे गेमों में निकाला वैकेंसी निकाला, जिसमें हैंडबॉल से 12 वैकेंसी हुआ, जिसमें हमारे हैंडबॉल के बनारस के हमारे कुछ बच्चे 3 खिलाड़ी यूपी पुलिस में हुए, जिसमें शुभम सरोज, अमित सिंह, शुभम सिंह, ये 3 लड़के हमारे बनारस में यूपी पुलिस में हुए। इन लोग का ट्रेनिंग अभी चल रहा है।